स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन. प्लीज़ टेक आउट योर थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफर्ड प्राइमरी साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 2. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म. प्लीज़ रिकॉल दिस, द बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स. जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं, हड्डियाँ, जोड़, पट्ठे और उज़्व. ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन. जिस्म के सारे हिस्से मुख्तलिफ और अहम काम करते हैं. वी हैव फाइव सेंसेस, हमारे पांच हवास हैं, साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट एंड टच, देखना, सूंघना, सुनना, चखना और छूना. द बॉडी नीड रेस्ट, एयर, वाटर, फूड एंड एक्सरसाइज. जिस्म को आराम, हवा, पानी, खुराक और वर्जिश की ज़रूरत होती है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन. योर बॉडी इज़ लाइक अ वंडरफुल मशीन. आपका जिस्म एक हैरतअंगेज मशीन की तरह है. सो मशीन कैन डू सेवरल जॉब्स. इट कैन डू हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट जॉब. ये सैकड़ों काम कर सकती है. दीज जॉब्स आर डन बाई डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स. ये काम मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम करते हैं. सो व्हाट इज ऑर्गन? ऑर्गन इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ सेल. एंड व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शंस. The organs and system perform different functions, but they all work together. ये organ और organ system मुख्तलिफ काम करते हैं, लेकिन ये सब मिलकर काम करते हैं. So in this picture, you can easily see that these children are using many organs and organ systems. Like they are using nose, ear, arms, finger, foot, legs and respiratory system, skeleton system and muscular system. So let's move to the third page, which is the human body. Insani dimag. The brain is the control center of the body. दिमाग जिस्म के कंट्रोल का मरकज होता है. It controls all the systems and organs. ये तमाम सिस्टम्स और ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. देयर आर थ्री मेन पार्ट्स, सेरिब्रम, सेरिब्लम एंड मेडोला. सो दिस इज सेरिब्रम. सेरिब्रम कंट्रोल्स मेमोरी एंड थिंकिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, साइट एंड हियरिंग. सेरिब्रम ये कंट्रोल करता है हमारी मेमोरी को और थिंकिंग को. यानी जो कुछ हम सोचते हैं और याद करते हैं, दिस इज़ ड्यू टू अवर सेरिब्रम. इसके अलावा ये हमारी सेंसेस को भी कंट्रोल करता है, लाइक टेस्ट, स्मेल, टच, साइट एक्सेट्रा. सो दिस इज सेरिब्रम. इट कंट्रोल्स अवर मसल्स, मोटर लर्निंग, सेंस ऑफ बॉडी पोजीशन, फाइन मूवमेंट कंडीशन, कोऑर्डिनेशन. So this is medulla. Medulla is the most important part of the brain. It carries out and regulates life sustaining functions such as breathing and heart rate. We would not be able to live without the medulla. Now move to the sense organs. These help us to sense the world around us. The sense organs take in information and send it to our brain so that we can be aware of our environment. Our senses are important. They help to keep us safe from danger. ये हमारी आसपास की दुनिया को समझने में हमारी मदद करते हैं. सेंस ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसे ब्रेन तक भेजते हैं ताकि हम अपने माहौल से वाकिफ हों. हमारी सेंसेस बहुत ही अहम होती हैं क्योंकि ये हमें ख़तरे से महफूज रखने में हमारी मदद करती हैं. आइज. व्हेन द आइज सी समथिंग, जब आंखें कुछ देखती हैं, दे सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन. ये मैसेज दिमाग तक पहुंचाती हैं. द ब्रेन टेल अस व्हाट वी आर सीइंग. दिमाग हमें बताता है कि हमने क्या देखा. ईयर.
द ईयर रिसीव साउंड्स फ्रॉम आउटसाइड, कान बाहर से आवाज़ रिसीव करते हैं. द साउंड्स आर कैरिड टू द ब्रेन और उसे दिमाग तक पहुंचाते हैं. द ब्रेन टेल अस व्हाट इज मेकिंग द साउंड एंड वेयर द साउंड इज कमिंग फ्रॉम. दिमाग हमें बताते हैं कि ये क्या आवाज़ है और ये कहाँ से आ रही है. अवर ईयर्स इनेबल अस टू हियर एंड आल्सो हेल्प अस टू कीप अवर बैलेंस. हमारे कान हमें सुनने और तवाज़ुन बरकरार रखने में हमें काबिल बनाते हैं. तवाज़न बरकरार रखने के काबिल बनाते हैं. नोज, मैनी थिंग्स गिव ऑफ स्मेल्स सेंस एंड अडोर. बहुत सी चीज़ें हमें स्मेल देती हैं, जैसे कि खुशबू और बदबू. दी स्मेल ट्रेवल थ्रू द एयर, ये खुशबू हवा के थ्रू आती है. द नर्व्स इन द नोज रिसीव्स दी स्मेल्स, जो हमारे नाक में नर्व्स होती हैं वो इन स्मेल्स को रिसीव करती हैं. द ब्रेन टेल अस इफ़ द स्मेल आर प्लेजेंट और नॉट, और ये दिमाग तक पहुंचाती हैं नर्व्स, और दिमाग हमें बताता है कि ये खुशबू खुशगवार है या नागवार है. टंग, जुबान. द टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स, ज़ुबान हमें चखने में मदद देती है. द टंग इज़ कवर्ड विद टाइनी पोर्स विच टेस्ट डिफरेंट थिंग्स, ज़ुबान छोटे छोटे टाइनी पोर्स में कवर्ड होती है जो चीज़ों का जायका देती है. वी कैन टेल इफ समथिंग इज़ स्वीट, सोर, बिटर, साल्टी और हॉट. हम बता सकते हैं कि अगर कोई चीज़ मीठी है, खट्टी है, कड़वी है या नमकीन है. The tongue also help us to talk. ज़ुबान हमें बोलने में मदद देती है. Skin. The skin help us to feel. जिल्द हमें महसूस करने में मदद करती है. Just under the surface of the skin are the end of nerves. जिल्द के अंडर सर्विस के आखिर में नर्व्स होती हैं. When we touch something, जब हम किसी चीज़ को छूते हैं, the nerves endings. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Please take out your science book and open page number 2. Before starting today's lecture, let's see what we have studied in our previous lecture. We studied that the body has many parts, bones, joints, muscles and organs. All the parts of the body perform different important functions. We have 5 senses: sight, smell, hearing, taste and touch. The body needs rest, air, water, food and exercise. We also studied about the organ system and brain. The brain is a control center of the body. So let's start today's lesson. The system of the body. Jism ka nizam. The organs and other parts of the body from different system. The skeletal system. Haddiyon ka nizam. The human body has a framework of bones called the skeletal system. Insani jism mein ek aisa haddiyon ka framework hota hai jise skeleton kehte hain. The bone of the body make up the skeleton. Jism ki haddiyan dhancha banati hain. The bones give the body a strong framework. हड्डियाँ जिस्म को स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क देती हैं, यानी कि सहारा देती हैं. दिस सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द पार्ट्स इनसाइड. ये जिस्म को सपोर्ट करती हैं और अंदर के हिस्सों को महफूज रखती हैं. सो दिस इज स्केलेटन. लेट्स रीड ऑल बोन्स नेम्स. स्कल, खोपड़ी. जा बोन, जबड़े की हड्डी. अपर आर्म बोन, ऊपरी बाजू की हड्डी. लोअर आर्म बोन, निचले बाजू की हड्डी. फिंगर बोन, उंगली की हड्डी. रिब बोन, पसलियों की हड्डी. स्पाइन बोन, रीढ़ की हड्डी. हिप बोन, कूल्हे की हड्डी. थाई बोन, रान की हड्डी. नी बोन, घुटने की हड्डी. टो बोन, पैर की हड्डी. ये ढांचा हमें सीधा खड़े होने में मदद करता है और जिस्म को शक्ल देता है. द मस्कुलर सिस्टम,
पट्ठों का निज़ाम, द मसल्स मेक अप द मस्कुलर सिस्टम, मसल्स मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं, दिस सिस्टम वर्क क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉडीज फ्रेमवर्क। ये सिस्टम स्केलेटन सिस्टम के करीब काम करता है और जिस्म के फ्रेमवर्क का हिस्सा बनते हैं। मसल्स अलाउ अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मसल्स हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत देने में मदद करता है। दिस इज मस्कुलर सिस्टम। मूव टू द नेक्स्ट पेज। द डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ामे इन्हज़ाम, द स्टमक एंड द कैनाल्स थ्रू विच फूड पासिस आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। पेट और वो नालियाँ जिनके थ्रू खुराक गुजरती है उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ दिस सिस्टम इंक्लूड्स द स्टमक, द लिवर एंड द कैनाल्स विच फूड पासिस थ्रू। ये मुँह से शुरू होता है। इस सिस्टम में पेट, जिगर, कैनाल्स शामिल हैं जिनके थ्रू खुराक पास होती है। मुंह से एक पाइप नीचे जाता है, इस पाइप को फूड पाइप कहते हैं। इस पाइप से एक ऑर्गन अटैच होता है, दैट इज स्टमक, और ये जे शेप का होता है। और जी ये आपको येलो पार्ट नज़र आ रहा है, स्टमक इससे कनेक्टेड होता है। इस येलो पार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस बड़े स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। सो जब भी हम कुछ खाते हैं वो फूड पाइप से गुजरती हुई स्टमक में आ जाती है, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर यूरिन के थ्रू आउट हो जाती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सर्कुलेटरी सिस्टम, दौराने निज़ाम। ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट, जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को पम्प आउट कर रहा होता है, तो बेसिकली वो हमारे ब्लड को ऊपर और नीचे कर रहा होता है। द ब्लड सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। ब्लड हमारे बॉडी के गिर्द हमारी वेन्स और आर्टरीज के थ्रू सर्कुलेट कर रहा होता है। दीज अलोंग विद द हार्ट मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हार्ट के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। सो दिस इज़ द हार्ट, दिस इज आर्टरीज एंड दीज आर द वेन्स। द रिस्पायरेटरी सिस्टम, सांस लेने का इंतज़ाम, निज़ाम। द रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। नोज, विंड पाइप एंड लंग्स रिस्पायरेटरी सिस्टम पर मुश्तमिल हैं। एयर इज पुल्ड इनटू एंड पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय दिस सिस्टम। So we take oxygen and out carbon dioxide through this system. In the lungs, oxygen is absorbed into the body. Lungs में जाकर oxygen हमारी body में absorb हो जाती है। This is nose, this is windpipe, left lung and right lung. The nervous system, asbi nizam. The brain and the nerves from the nervous system. हमारे दिमाग में जितनी भी nerves होती हैं वो सारे मिलकर nervous system बनाते हैं। The nerves in the body receive signals from the sense organs and take message to the brain. ये nervous body में sense organ So this is the nervous system. The excretory system, Nizam-e-Ikhraj. Through the excretory system, we are able to get rid of all the waste products of the body.
हम इसके थ्रू वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं।